25 का ये अंक मन की गहराई का सूचक है। ये लोग हर बात को गहराई से सोचते हैं। 25 का ये अंक प्रारंभिक जीवन में कठिनाइयां व कष्ट उठाने के बाद सफलता का सूचक है। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बेहद प्रभावशाली होते हैं। इंट्यूशन पावर इनकी काफी स्ट्रांग होती है। 25 का ये अंक चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में हो या आपके नाम के अंकों का टोटल हो या आपका लाइफ पाथ नंबर हो। लाइफ पाथ नंबर यानी कि अगर आपका जन्म 29/9/2003 में हुआ है तो बर्थ नंबर, मंथ नंबर और ईयर नंबर यानी कि पूरे के पूरे डेट ऑफ बर्थ को अगर आप जोड़ लेंगे, अगर उसका टोटल 25 आता है तो ये आपका लाइफ पाथ नंबर कहलाएगा। इसे हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ईश्वर ने आपको इस 25 के अंक के साथ ही क्यों पैदा किया है? ये 7 तारीख और 16 तारीख को जन्मे बाकी मूलांक 7 के लोगों से इतना अलग क्यों होते हैं? जानेंगे हम इस बात को बहुत ही गहराई से, लेकिन पहले जान लेते हैं कि 25 तारीख को जन्मे लोग कैसे होते हैं, इनकी क्या है कुछ दिलचस्प बातें जो इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। 25 को जन्मे हैं अगर आप, तो आप लॉजिकल हैं, काफी इंट्यूटिव हैं, रैशनल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, काफी अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, रिजर्व नेचर के हैं, हमेशा सतर्क रहते हैं लोगों से, इनफ्लेक्सिबल हैं आप, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हैं, यू फील वेरी डीपली, यू डोंट शेयर योर फीलिंग्स इजीली, यू डोंट कम्युनिकेट देम वेल, क्योंकि आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, अपनी फीलिंग्स को आसानी से शेयर नहीं करते हैं और ना ही अपनी बातें अच्छे से किसी को बता पाते हैं। यू वर्क वेरी हार्ड टू डेवलप एंड टू मेंटेन डीप एंड इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अपने क्लोज रिलेशनशिप को बनाए रखने की आप लोग भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं नाकामयाब रहते हैं। यू गिव अप इजिली इन एक्सेसिव कंडीशंस और डिफिकल्ट सिचुएशन। जब भी कोई कठिन परिस्थिति आपके सामने आती है तो आप बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से हार मान जाते हैं। आप पीछे हटना पसंद करते हैं। आप बहुत ही जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। 25 का अंक है अगर आप, तो आपके अंदर एक इच्छा रहती है दूसरों से अलग हटकर कुछ करने की, कुछ पाने की चाह रहती है और एक लंबे समय के बाद, बहुत ही संघर्ष के बाद आप उसे पाने में कामयाब भी होते हैं। आप इंटेलिजेंट हैं, इंट्यूटिव भी हैं। अगर ये अपनी बुद्धि और इंट्यूशन का प्रयोग सही डायरेक्शन में करें तो आप लोगों को सक्सेस पाने में कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी याददाश्त काफी तेज होती है, आप लोगों को समय समय पर परखते भी रहते हैं। दिल के अच्छे हैं, लेकिन आपको धोखा बहुत मिलता है। अब वो धोखा आपकी लाइफ के किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो या आपका बिजनेस पार्टनर, आपको धोखे बहुत मिलते हैं। अगर आप अपने नेटिव प्लेस से, जन्म स्थान से दूर जाकर काम करें तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर कुछ काम करते हैं तो वो सक्सेस नहीं हो पाता है, जबकि अचानक से लिए गए आपके डिसीजंस, अचानक से किए गए कोई भी काम आसानी से सक्सेस हो जाते हैं, उनमें आप सफल हो जाते हैं। आप लोग आध्यात्म में रुचि रखते हुए भी अपने आप को सांसारिक चीजों में भटकाते रहते हैं। धन कमाने की लालसा में आप अपने आध्यात्म के रास्ते से विमुख भी हो जाते हैं। आप लोग ड्यूल स्वभाव के होते हैं, गुप्त स्वभाव के होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, अपने अंदर बहुत कुछ छिपाए रहते हैं। आपके मूड भी लगातार बदलते रहते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। आप कभी अपने आप को बहुत सुस्त पाते हैं तो कभी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, कभी इतने आलसी तो कभी बहुत ज्यादा एक्टिव। आप छोटी छोटी बातों में खुश होना जानते हैं तो वहीं दूसरी ओर एक छोटी सी बात से ही बहुत जल्दी आप दुखी भी हो जाते हैं। कब आप खुश होते हैं और अभी पल में आप कब गुस्सा करने लगे कुछ नहीं कह सकते। आपके प्रियजन भी आपको समझ नहीं पाते हैं। आप लोगों को अपने साथ समय बिताना बेहद पसंद होता है, अकेले ही काम करना पसंद होता है।
अपने काम को किस तरह से करना है ये आप खुद से ही डिसाइड करते हैं। यू आर ओन बॉस, किसी के निर्देशन में आप काम नहीं कर सकते। जिस काम को भी शुरू करते हैं पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं, अकेले ही रहकर आपको सफलता प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि आप लोगों को पार्टनरशिप किसी की भी सूट नहीं करती है। वैसे आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% देते हैं। आप लोगों में सेवा की भावना भी कूट कूट कर भरी होती है। आप एक अच्छे हीलर, एक रिसर्चर, एक एडवाइजर, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। इसके अलावा आप मेडिकल लाइन में गोल्ड, ट्रेवल एजेंसी, साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर, नर्स, सोशल वर्कर, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, ऐसे कारोबारों में आपको सफल होते देखा गया है। आप लोग टीचर, नेवी, मर्चेंट नेवी, दूध का व्यापार, डायरी प्रोडक्ट, केमिकल, मछली पालन, इनमें भी आपको सफल होते देखा गया है। पैसों के मामले में भी आप बहुत समझदार होते हैं। ज्यादा खर्च करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, बहुत ही सोच समझ कर खर्चा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। आपके पास हमेशा धन की कमी रहती है और आप सारी जिंदगी धन के पीछे भागते रहते हैं। यहाँ बात अगर आपकी पर्सनल लाइफ की जाए तो चंद्रमा आपको बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड बनाता है, सेंसिटिव बनाता है, इमोशनल बनाता है। वहीं बुध आपको फ्लर्टी नेचर देता है, तो केतु आपको भटकाव भी दिलाता है। इसलिए यहाँ आप बहुत ही सेंसुअल हो जाते हैं। आप अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते हैं। जो आपके पास है, जो आपके साथ है, उससे आप तृप्त नहीं हो पाते। बाहरी दुनिया में आपकी भटकाव वाली स्थिति लगातार बनी रहती है। यहाँ बुध आपका कमजोर है, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ अच्छी स्थिति में होते हुए भी आप अपनी कामुक प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगा पाते हैं। परिणाम स्वरूप आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बनते बिगड़ते रहते हैं। आप जितनी तेजी से किसी से कनेक्टेड होते हैं उतनी ही जल्दी उनसे अलग भी हो जाते हैं। बात आपकी चाहे लव लाइफ की हो या मैरिड लाइफ की, आप एक ही समय में एक से अधिक रिलेशनशिप चलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर बात यहाँ महिलाओं की जाए तो वो बेहद भावुक होती हैं और आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाती हैं, फिर धोखा भी खाती हैं। कोई भी इन्हें इमोशनल फूल बनाकर अपना काम निकालकर आसानी से इन्हें छोड़ सकता है। यहाँ आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा, अपने आप को दूसरे क्रिएटिव वर्क में बिजी रखना होगा। अगर आप आर्ट के किसी भी क्षेत्र में, कला के किसी भी क्षेत्र में अपना रुझान रखें तो बहुत आगे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 25 तारीख को जन्मे हैं अगर आप, तो आपका मूलांक होता है 7। अगर आप 25 तारीख को जन्मे लोगों के बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरी मूलांक 7 पर बनी वीडियो एक बार जरूर देखेगा, जिसमें आपको बहुत सारी गहरी बातें जानने को मिलेंगी। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूलांक 7 का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए जानते हैं 25 के इस अंक को और भी अधिक गहराई से। क्या रहस्य छिपा है इस 25 के अंक के भीतर? 2 अंक चंद्रमा यानी कि मन, 5 का अंक बुध बुद्धि, और 25 का ये अंक बन जाता है मन की गहराई का सूचक। यहाँ बुध आपका कमजोर है, बुध की चंद्रमा से नहीं बनती, वो चंद्रमा के मन की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए 25 के अंक से जो जोड़ निकल कर आता है केतु का अंक, वो ज्यादातर कंफ्यूजन की स्थिति में रहता है। ऐसे लोग या तो बहुत ज्यादा बोलते हैं या बिल्कुल भी नहीं बोलते। दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है या फिर बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं रह पाते। इसीलिए आपके दिमाग में उतराव चढ़ाव चलता रहता है, आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। हम सभी जानते हैं केतु क्या है। केतु हमारा नींद से जगाने वाला वो समय है जब हम नींद की खुमारी में होते हैं, बिस्तर से उठते हैं और नींद में ही चलने लगते हैं और फिर अचानक ही किसी चीज से टकरा जाते हैं और हमारी आंखें पूर्णतया खुल जाती हैं। केतु वही पूर्वाभास है कि क्या घटित होने वाला है। इसीलिए इन लोगों की सिक्स सेंस भी बहुत पावरफुल होती है।
केतु को अंधेरे में देखने की क्षमता प्रदान होती है। इनको लाइफ में जब भी कोई परेशानी होती है, इन्हें हमेशा अपने मन की आवाज को सुनना चाहिए। दिमाग जो कहता है उसे साइड पर रख दो, क्योंकि हम सभी जानते हैं केतु का डर नहीं होता। दिमाग ज्यादा चलाएंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। फिर ऐसे लोग हर बात को नेगेटिव पॉइंट से सोचने लगते हैं और अपने लिए ही बुरे हालात पैदा खुद से ही करने शुरू कर देते हैं। उन्हें अपने आसपास के सभी लोग भी नेगेटिव नजर आने लगते हैं, हर चीज में कमियां निकालने शुरू कर देते हैं, हर बात को पकड़ने लगते हैं और धीरे धीरे आप सभी चीजों से कटना शुरू कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन भर खुद में ही उलझे उलझे से रहते हैं। एक्चुअली आप लोग खुद समझ नहीं पाते कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों भटक रहे हैं, और आप इसी सवाल के जवाब में जिंदगी भर इसी तलाश में भटकते ही रहते हैं। लेकिन एक लंबे पड़ाव के बाद, एक मैच्योरिटी लेवल आने के बाद, एक लंबी उम्र के बाद आप समझ जाते हैं कि आखिर आप इस दुनिया में क्यों आए हैं। फिर आपकी शुरू होती है एक आध्यात्मिक यात्रा। तब आप एक अच्छे काउंसलर साबित होते हैं, अच्छे हीलर साबित होते हैं, लोगों की परख आप एक नजर में कर लेते हैं, सोसाइटी में भी आपकी अच्छा मान सम्मान आपको प्राप्त होता है। इसीलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि आपको हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, अपने मन की आवाज सुननी चाहिए, वरना लाइफ टाइम आप जुगाड़ भिड़ाने में ही लगे रह जाएंगे। अपनी लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने आप को आईने में जरूर देखें। आईने में अपने चेहरे को देखते हुए उस मेजर डिसीजन पर एक बार जरूर विचार कर लीजिए। केतु को यहाँ अपना खुद का सिर देखना चाहिए ताकि आप राइट डिसीजन अपने मन में, अपने दिमाग में ला सकें। आप छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं, पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, ये सर्वथा गलत है। बातों में दूसरों का मजाक बना देना, बिना कुछ सोचे समझे इरिटेट होना, ये आपके लिए आम बात होती है। कृपया इन पे भी आप अपना ध्यान दीजिए। आपकी दोस्ती व कंपैटिबिलिटी मूलांक 1 और 2 वालों के साथ बहुत ही अच्छी रहती है। मूलांक 8 वालों को आपको अवॉइड करना चाहिए। आपकी शुभ तिथि है 2, 7, 16 और 25। आपका शुभ दिन है सोमवार और बुधवार। आपका शुभ रंग है हरा, लाल, पीला, हल्का नीला, ग्रे, मटमैला कलर, और सभी चमकीले शेड से आपको बचना चाहिए। कितना कनेक्ट हो पाए हैं मेरी इस वीडियो के साथ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आरुणी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।